हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू ओ स्टडी चैनल में। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सब लोग लाइव आ जाएगा। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। सुबह में 11 बजे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग फिजिक्स में एक सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक सेट है आज हम लोग का, एक फिजिक्स में सेट है, जिसमें उस सेट में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग का सेट का एक सेट बना हुआ सेट है बना हुआ लेकिन एक सेट आज हम लोग कंप्लीट कर दे। तो ये उस सेट में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, जो अलग अलग तरीका का क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा पूरा पूरा सब्जेक्ट से। जैसे ही क्वेश्चन का पैटर्न रहता है एग्जाम में, उसी के बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो सब लोग रेडी रहिएगा, सब लोग सेट मारिए। तो कितना किसका सही कर पाता है आप लोग देखिए। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सब लोगों के पास साउंड जा रहा है प्रॉपर तरीका से, सब लोग लाइव आ जाइए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर्स ऑफ क्वेश्चन वहां पे 50 को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा आप लोग कितना सही कर पाते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे। बाय लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना कि मिरर यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर इज, जो मूवी प्रोजेक्टर में मिरर यूज किया जाता है ना, वो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूवी प्रोजेक्टर में जो दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी जो मिरर यूज होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग से पूछा जा रहा है। देखिए मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा मूवी प्रोजेक्टर के बारे में बात हो रही है। कौन सा आप लोग कह रहा है? देखिए मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, मिरर यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त दर्पण के बारे में बात कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर एक है कॉनकेव मिरर है, एक है प्लेन मिरर और एक है डन, इनमें से कोई नहीं, सॉरी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कॉपी आ गया H2O का लाडला। सब लोग नाम चेंज कर करके आ रहे हैं। तो देखिए मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, मूवी प्रोजेक्टर में हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का यूज करते हैं कैसे है? जैसे देखिए प्रोजेक्टर का कभी आप लोग देखे होंगे, प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर में लेंस इस तरह का लगा हुआ रहता है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से लाइट निकलता है और फिर यहाँ से लाइट निकलने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऐसे सामने की ओर क्या करता है, सामने की ओर जाता है। और यहाँ पे लगा रहता है पर्दा, और यहाँ पे पर्दा लगा रहता है, और यहाँ पे चलता है रामायण, ठीक है ना। यहाँ पे चलता है क्या, रामायण चलता है, रामायण। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, मिराग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए मिराग के बारे में बोल रहा है, मिराग मीन्स मारीचिका के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। मारीचिका के बारे में बात कर रहा है, तो मारीचिका देखिए तो किस चीज का एग्जाम्पल है, मारीचिका किस चीज का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, मारीचिका मिराग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिएगा मिराग के बारे में बात कर रहा है, मिराग किस चीज का एग्जाम्पल है,
देखिए मिरार किस चीज का एग्जांपल है, मारीची का एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वहीं पे मिराग बनने का चांसेस होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है मिराग मारीची का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को बोलता है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बोल रहा है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम लोग से पूछ रहा है कि इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है, अधिक होती है, या नेत्रिका लेंस के समान फोकस दूरी होते हैं, या नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा होगा आंसर। टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा, टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा, टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा सर। अच्छा, क्या आंसर आया? हाँ सर, मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब अधिक होता है खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के बारे में हम लोग से पूछ रहा है। शॉर्टर फोकल लेंथ सबका अलग अलग आता है, क्या है? देखिए खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस हम लोगों को किससे कंपेयर कर रहा है, ईयर पीस से, यानी नेत्रिका लेंस से कंपेयर कर रहा है। नेत्रिका की फोकस से क्या होता है, अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, लार्जर फोकल लेंथ एज कंपेयर टू क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, आईपीस लेंस के कंपैरिजन में बड़ा होता है, यानी लार्जर फोकल लेंथ होगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर आई एम फ्रॉम यूपी, स्वागत है। इसका क्या हो जाएगा, लार्जर फोकल लेंथ होगा, अधिक फोकस दूरी होता है, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी एज कंपेयर टू आई पीस, आई पीस के कंपेरिजन में इसका क्या होता है, बड़ा होता है ना फोकल, फोकल लेंथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को बोलता है जो व्यक्ति, देखिएगा जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करते हैं उनमें प्रायः पाया जाता है, उनमें क्या पाया जाता है, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का काम थोड़ा ज्यादा करते हैं ना उनमें देखिएगा कि चश्मा लग जाता है। तो चश्मा क्यों लगता है, क्या उन लोगों का निकट की वस्तु, क्या उन लोगों का दूर दृष्टि दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष अबिंदुकता, या फिर निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो जाता है। दूरदृष्टि दोष हो जाता है, दूरदृष्टि मतलब कि जब आपको, अगर जो ज्यादा पढ़ लिख रहा है, सोचिए आप लोग जो ज्यादा पढ़ लिख रहा है, आप कितना दूर करके पढ़ते हैं, आपको पढ़ते समय क्या होता है, कभी कभी आंख दर्द देने लगता है, यानी नजदीक वाला वस्तु नहीं दिखाई देने लगता है, तो नजदीक वाला वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि दूर वाला स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो निकट वाला दिखाई नहीं देता और दूर वाला स्पष्ट दिखाई देता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर वाला तो साफ साफ दिखेगा बहुत अच्छा, लेकिन नजदीक वाला कॉपिया किताब वाला दिखबे नहीं करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दूर दृष्टि दोष हो जाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा उस समय, लेकिन नजदीक वाला जब किताब कॉपी पढ़ने लगेगा ना तो फिर वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, सही 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 आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए 50 क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, 50 क्वेश्चन ये सेट है, इसको सीरियसली लेकर मारिए आप लोग, क्वेश्चन अलग अलग जगह से घुसाया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दो तारे जिनमें से प्रत्येक के मध्य का प्रतिरोध R ओम है,
समांतर क्रम में इसको जोड़े जाते हैं तो इसका रिजल्टेंट कितना निकलने वाला है, उसका परिणामी प्रतिरोध क्या निकलेगा। देखिए दो तार हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य का प्रतिरोध आर ओम है, यानी दो गोरे तार है और दोनों का रेसिस्टेंस कितना है, आर ओम है, आर ओम है। और बोलता है कि समानांतर में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पैरालेल में इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो पैरालेल में जोड़ रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, तो 1/R रिजल्टेंट कितना निकलेगा, 1/R + 1/R, तो यहाँ से आर आर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर एक और एक दो हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्टेंट आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई टू ओम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या बोलता है ना कि द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बद, ये नहीं, ये गड़बड़ दिया हुआ, हिंदी गलत लिखा हुआ, देखिए द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी पावर के बारे में बात कर रहा है, पावर रेटिंग कौन है इसमें से, इस ऑप्शन में देखिए तो पावर रेटिंग के बारे में कौन हम लोगों को जनरली दिखा रहा है, एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, सात नंबर, एक और है, हाँ एक और है, पहले छह देखिए, हम लोग को बोलता है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ए मीटर विल बी, एक उत्तम ए मीटर का प्रतिरोधकता का क्या होगा, एक उत्तम ए मीटर है उसका रेसिस्टेंस प्रतिरोधक, एक उत्तम ए मीटर, एक आइडियल ए मीटर का रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, चलिए रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर के बारे में बात किया जाए तो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, एमीटर का आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस जीरो। नेक्स्ट, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवेन बाय, पावर रेटिंग क्या होता है, पावर रेटिंग मीन्स पावर, पावर बराबर क्या क्या होता है, क्या पावर बराबर एक तो वी आई होता है, ठीक है, और क्या होता है, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है और आई स्क्वायर आर होता है, कौन है इसमें से, देखिए तो ऑप्शन ए मिल रहा है, आई स्क्वायर भी मिलने का कोई चांस नहीं है, आई स्क्वायर आर भी नहीं होता है, आई स्क्वायर अपॉन आर नहीं होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी नहीं होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, पी बराबर वी आई होता है, पी बराबर वी आई, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सी कैसे आ रहा है इसका, सौरभ का, वी आई वी स्क्वायर अपॉन आर, पी बराबर क्या क्या होता है, देखिए पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर बराबर वी आई, इतना चीज होता है पावर बराबर, तो ये सारा डाटा याद कर लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा, यानी बड़ा कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा के बारे में बात कर रहा है, हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ, आइस दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है और मानिक दिया हुआ है, रब्बी, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, किसी का डायमंड आ रहा है, किसी का लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, कितना होता है डायमंड का होता है 2.42 के आसपास, और जबकि पानी या बर्फ का जनरली कितना होता है 1.33 के आसपास होता है इसका, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा डायमंड का हो जाएगा। सर प्लीज पहले वन क्वेश्चन, वन नंबर क्वेश्चन का कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है वन नंबर देखेंगे, अच्छा उसको देखिए डायमंड क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा डायमंड इसका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को बोलता है देखिए, तो एक गोलाकार लेंस का, देखिएगा ध्यान से,
एक गोलाकार लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी मतलब कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, यानी ये जो एक स्फेरिकल लेंस है, मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल लेंस का ही पार्ट है ना, ये एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट है। इस स्फेरिकल लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर कौन होता है? ये वाला होता है इफेक्टिव डायमीटर, ये वाला होता है इफेक्टिव डायमीटर, ये वाला। तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर, इसका स्पेशल नाम क्या है? अपर्चर या ऑप्टिक सेंटर या पोल या प्रिंसिपल फोकस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर बोलते हैं छिद्र, या इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, द्वार, ठीक है ना। इसको हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सबका रहा अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज, देखिएगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, उस कोलाइडल पार्टिकल से जो लाइट में स्कैटरिंग होता है, यानी लाइट जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में ब्रेक होता है, ये किस चीज का इफेक्ट है? थर्मल इफेक्ट है, या बाल्विन इफेक्ट है, या रमन इफेक्ट है, या फिर टिंडल इफेक्ट है? तो देखिए, यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स में जो स्कैटरिंग होता है ना, वो जनरली कैसे होता है? टिंडल इफेक्ट के चलते, यानी टिंडल इफेक्ट बोले तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, टिंडल इफेक्ट के चलते ये होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का क्या, कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का कारण क्या है? देखिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जनरली लाल 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 टाइप का दिखाई देता है, तो इसका मेन रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, या रिफ्लेक्शन है, या फिर थर्मल प्रभाव है, या फिर वायुमंडलीय विवर्तन है, एटमोस्फेरिक डिफ्रैक्शन है। तो देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जनरली सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका मेन रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, और कलर तो इधर ही डिफ्लेक्ट हो जाता है, और कलर इधर ही मुड़ जाता है, लेकिन लाल कलर का डिफ्लेक्शन कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे पास तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, देखिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। और अगर चालकता के बारे में पूछा जाए, चालकता मीन्स कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए, तब चालकता मीन्स कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तब क्या होगा? तो देखिए, अगर चालकता मीन्स कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है? ये प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता और कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो जस्ट इसका क्या होता है? रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, यानी पर ओम पर मीटर हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, यानी उस सिचुएशन में ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी का, जबकि रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, नेक्स्ट पांच को सेट आप लोग को करवाएंगे, पांच को सेट आप लोग को करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है, इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज डबल देन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो उस तार का प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? तार के असर पे क्या असर, तार पे क्या असर पड़ेगा? हम लोगों को बोलता है, यदि तार की, धातु के तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए तो तार के रेसिस्टेंस पे आर बराबर क्या आता है? रो एल अपॉन ए होता है ना, तो लेंथ को क्या कर रहा है? लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है तो टू खाली हो जाएगा, रो एल अपॉन ए हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? ओनली चार गुना हो जाएगा, चार गुना, अरे सबका चार गुना हो जाएगा, यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस चार गुना हो जाएगा, रो
एल बटा ए लेंथ को दोगुना कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस तो दोगुना ही ना रहेगा, डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आप लोग कौन सा सुर में सब पूरा एकदम आज सब सुर धर लिए हैं आप लोग? थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो उस पर भी गौर कीजिए, इसके बाद डिसीजन लीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस एक बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घटेगा, उसके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन होता है ना कि खींच के लंबा किया गया है या खींच के कम किया गया है, उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को इस जगह पे दो तरीका से बताया थे। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में खींच के तान के बोले ना तब उसके लिए क्या करना है, एन स्क्वायर गुने जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस होता है उसको यहाँ पे निकालना है, एन स्क्वायर गुने। लेकिन यहाँ पे तो खींच के तान के कुछ बोल नहीं रहा है, और जब खींच के तान के कुछ नहीं बोलता है तब फिर डायरेक्ट हम लोग आर बराबर रो एल बटा ए करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या को गलती हुआ है आप लोग का? नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीटिंग, यानी अकॉर्डिंग टू जूल के अनुसार चल रहे हैं। अरे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ, ये वो तार था ये, दूसरा तार ये है, बस मान लीजिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया देगा तभी का। ये वो रेसिस्टेंस ये था जिसका लंबाई एल है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा तार ला रहे हैं उसको खींच के टूएल कर दे रहे हैं। अब पहला वाला के दूसरा से कंपेयर कर लीजिए, चलिए इसको देखते हैं। जूल की उष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित उष्मा किसके बराबर होता है? तो देखिए जूल का जो हीट इफेक्ट होता है एच बराबर क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मेरा कमेंट पढ़िए, सबके कमेंट करेंगे, सबके कमेंट पढ़ेंगे। आप लोग पहले सब क्वेश्चन सोल्यूशन कर लीजिए ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना। नेक्स्ट चलिए, एक रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज, यानी तार के प्रतिरोधकता देखिए तो किस चीज पे डिपेंड करता है, तार का प्रतिरोधकता किस चीज पे डिपेंड करता है? देखिए चार वो ऑप्शन है हम लोगों के पास, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फ्रेम में आ भी नहीं रहा, चार वो ऑप्शन है, चार वो ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता, नहीं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ठीक ठीक लग रहा है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के स्वतंत्र होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड टोस्टर के बारे में बात कर रहा है ना, ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री, यानी विद्युत इस्त्री मतलब कि आयरन, और ब्रेड टोस्टर मतलब कि जो ब्रेड बनता है ना वो गर्म, जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्यों? देखिएगा ये सब जितना जो हीट जनरेट करता है ना वो मिश्र धातु का रहता है, ताकि मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन पूछ रहा है कि एलवाय हैव लो रेसिस्टिविटी, क्या एलवाय का कम प्रतिरोधकता, मिश्र धातु का प्रतिरोधकता कम होता है इसीलिए बनाते हैं, या मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है, या यह प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करता, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो देखिए जनरली क्यों हम लोग मिक्स क्यों करते हैं, एक मेटल को दूसरा मेटल के साथ मिक्स क्यों करते हैं, एक मेटल को दूसरा मेटल के साथ मिक्स करने का मेन रीजन है हम लोगों को कि उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाए, रेसिस्टिविटी हाई हो जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करे, ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो फिर हम लोग का काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, तो विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है, क्या बोल रहे सर, क्रॉस सेक्शन तो ऑटोमेटिकली ने डिक्रीज करेगा। हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक वो तार ये वाला है, एक वो दूसरा तार ले आए हैं और दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, अभी दुगना तार ले आए हैं, तब फिर क्या असर पड़ेगा रेसिस्टेंस पे, बताइए। पीयूष कुमार आप देखिए जो हम क्वेश्चन डाले हैं उस क्वेश्चन को समझिए, पहले शुरू में लंबाई एल था, हम दूसरा तार ले आए,
सेम प्रॉपर्टीज का, दोनों कॉपर का ही तार है, कॉपर का ही तार है, इसका 2L कर दिया तो पहला वाला के कंपेयर में दूसरा वाला के कंपेरिजन कीजिए तो क्रॉस सेक्शन कहाँ कम हो रहा है, नहीं हो रहा है क्रॉस सेक्शन कम। तब हम बोल रहे हैं कि एक तार के बारे में बोलेगा, एक तार है और अगर इसी को खींच के बोला जाए तो इसी खींच को दोगुना करेगा तब क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाता है क्रॉस सेक्शन, समझे, तब फिर क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, दोनों का कंडीशन बताया हुआ। चलिए इस पे आइए, दोनों का कंडीशन बताए हैं, चलिए इसको देखिए। हम लोग को बोलता है विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे परिनाली का, लंबे सोलेनोइड ऐसे दिया हुआ, ये सोलेनोइड होता है, इस तरह का सोलेनोइड होता है, इस पे ऐसे ऐसे, तो बोलता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सब जगह समान होता है, यानी कि यह सब जगह शून्य होता है, सब जगह शून्य होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, फिर हम लोगों को क्या बोलता है, जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे घटते जाता है, जैसे ही हम अंत की ओर बढ़ते हैं बढ़ते जाता है, यह सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो ये क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है ना, एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सभी जगह क्या होता है, सभी जगह इक्वल होता है, सभी जगह इक्वल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट, आप लोग जीरो बोल रहे हैं, जीरो कैसे होगा इसमें, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जेनरेट हो ही गया है तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, मैग्नेटिक फील्ड होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब कोई चांस ही नहीं बनता जीरो होने का, तो जीरो होने का कोई चांस नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट है ना, लेफ्ट मीन्स बाया होता है, हाँ, बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी के बारे में बात कर रहा है, यानी फोर फिंगर के बारे में, फोर फिंगर क्या क्या डायरेक्शन देती है हम लोगों को, सर वेब कैम रुक गया है पता नहीं क्यों, ये रुकिए वेब कैम को ना, हम हटा देते हैं, अब ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, और आप लोग देखिएगा इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा ना जो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, बिहार हो, झारखंड हो, फिर यूपी हो, कोई भी स्टेट का हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट उसी के बेसिस पे बनाया हुआ है। इसका क्या होगा आप लोग के अनुसार, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी हम लोगों को क्या दिखाता है, तर्जनी बताता है मैग्नेटिक फील्ड, तर्जनी क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ना, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपना अपना ग्रुप में। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों को बोलता है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को पता लगाता है, ये कौन सा ऐसा, मतलब कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हम लोग को बताएगा कि ये तार में इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, ठीक है। वोल्ट मीटर हम लोग को क्या बताता है, ये तो वोल्टेज मेजरमेंट करके बताएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक है, रेसिस्टर एक है, प्रतिरोधक है, एक डायोड है। तो ये जो आप लोगों का क्या हो रहा है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर बताएगा कि इस वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है, और उस इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन को मेजरमेंट करना हो कि कने से कने, उत्तर से दक्षिण जा रहा है या पूर्व से पश्चिम जा रहा है, ये भी कौन बताता है, ये भी गैल्वेनोमीटर ही बताता है, ठीक है। नेक्स्ट
इसको देखिए, हम लोग को बोलता है कि विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना, यानी विद्युत जनरेटर में कौन सा घटना घटता है इसके बारे में हम लोग को पूछ रहा है। विद्युत जनरेटर में कौन सा घटना घटता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर हॉल इफेक्ट या फेरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि विद्युत जनरेटर में दिखेगा तो नहीं ये, लेकिन फील कर सकते हैं कि वहां पे क्या घटना घटता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का घटना वहां पे घटता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का घटना घटता है जिसके चलते वहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक साथ दिखाया जाता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, जैसे कि आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखते होंगे एक साथ कहां दिखाया जाता है, जैसे यहां से अगर इधर निकल रहा है, यहां से इधर निकल रहा है, यहां से इधर निकल रहा है, यहां से इधर निकल रहा है, ऐसे करके अगर जा रहा हो तो देखिए तो एक साथ यहां पे रहता है, जनरली पोल पे ही एक साथ दिखता है। तो एल एक साथ दिखने का मेन रीजन क्या है कि ये कॉन्स्टेंट दिखाई देता है या नॉन ऑफ द एबव होगा या दुर्बल दिखाई देता है या स्ट्रॉन्ग। तो ये हम लोग को क्या शो करता है, मजबूती शो करता है, मजबूती की हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सबसे मजबूत है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको खींच लेगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ पे रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग को देखिए, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोलता है कि घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है, ठीक है, घरों में जनरली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ही रहता है। तो आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ जिसके द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, जनरली देखिएगा घर में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का तार रहता है, तो उसमें से देखिएगा कि एक लाल इंसुलेशन रहता है, लाल तार रहता है, लाल तार को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल तार को लाइव वायर बोलते हैं, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर या नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए जो जनरली लाल तार होता है उस लाल तार को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइव वायर बोलते हैं, लाइव वायर यानी विद्युतमय तार। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइव वायर। नेक्स्ट क्या है कि सर जो गलत है यो गलत आपने तो क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ठीक है जो गलत है उसको भी देखेंगे, पहले कवर कर लेते हैं एक बार सारा चीज, उस पर भी विचार करेंगे जो गलत बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह के उत्पादन यानी जेनरेट करने के बारे में बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट जेनरेट करने के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन जेनरेट जनरली करता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट कौन जनरेट करता है, आज का 50 क्वेश्चन का है ना, 50 क्वेश्चन का सेट है ये, तो 50 क्वेश्चन का सेट हो जाएगा। देखिए विद्युत प्रवाह का जनरली उत्पन्न कौन करता है, ये तो जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट लघु शॉर्ट सर्किट के बारे में बात कर रहा है, यानी लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट में परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला सुरक्षा उपकरण क्या होता है, जनरली शॉर्ट सर्किट के समय जो सेफ्टी के पर्पज से किया जाता है, सेफ्टी के साथ जो डाला जाता है वो जनरली क्या रहता है, सेफ्टी के लिए हम लोग डालते हैं फ्यूज, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए हम लोग फ्यूज डालते हैं। नेक्स्ट लॉ शॉर्ट सर्किट के बारे में फिर से बोलता है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत, देखिए एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, यानी जो सर्किट है उसमें सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो घुसने का रफ्तार है उसके बारे में बोल रहा है, भरपूर कम हो जाता है या शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट के दौरान इलेक्ट्रिक करंट नहीं चेंज होता या इलेक्ट्रिक करंट अत्यधिक बढ़ जाता या लगातार बदलते रहता है। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट होता है उस समय इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हैवली फ्लो करता है, हैवली रुकेगा नहीं, बहुत तेजी से फ्लो करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, देखिए तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उसको बोलते हैं जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा बार पुनः फिर
आ सकता है। और यहाँ पे बोलता है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन नहीं है, लकड़ी एक एग्जांपल है, दूसरा है गोबर गैस। देखिए लकड़ी एक बार खत्म होगा ना तो फिर से पेड़ लगा के इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। गोबर गैस एक बार खत्म होगा तो गोबर गैस आप बना सकते हैं। सौर ऊर्जा ये तो दिन रात ये तो आते ही रहता है। लेकिन कोयला, देखिए कोयला एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर जनरली ये उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। तो कोयला क्या है, कोयला एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए ये कोयला क्या है, ये एक कोयला कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। ये एक तरह का कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल मीन्स क्या है, ये एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और हम लोग को बोलता है कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसमें से पूछ रहा है। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, ये तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ये है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में टर्निंग है, क्वेश्चन घुमावदार है, समझना होगा इसको। सर सी होगा, सी होगा, सी होगा। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए हम लोग को बोलता है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं। अच्छा देखिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है यानी नॉन कन्वेंशनल होना चाहिए, यही तो बात बोल रहा है ना। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है यानी नॉन कन्वेंशनल होना चाहिए। तो नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत कौन कौन आएगा, नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत सोलर एनर्जी एक आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर गोबर गैस और फिर लकड़ी, लकड़ी नहीं आती है, ठीक है ना, लकड़ी नहीं आएगा। ये सब क्या है, ये सब नॉन कन्वेंशनल है और ये भी नॉन कन्वेंशनल है। तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल सोलर एनर्जी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया यहाँ पे, उल्टा कर, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है यानी नॉन पारंपरिक होगा यानी नॉन कन्वेंशनल होगा। नॉन कन्वेंशनल कौन है, सोलर एनर्जी। एक सुचालक का प्रतिरोधक, एक सुचालक का प्रतिरोधक किस चीज पे डिपेंड करता है, एक सुचालक का प्रतिरोधक किस चीज पे डिपेंड करता है। सो देखिए, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, वॉइस में कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, यहाँ से तो ठीक है। कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑल द एबव, टेम्परेचर, एरिया, लेंथ। तो देखिए जो सुचालक का प्रतिरोधक है वो सब चीज पे डिपेंड करता है, लंबाई पे भी, एरिया पे भी, टेम्परेचर पे भी, ऑल द एबव पे भी। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को निम्न पदार्थों की निम्नलिखित सूची में पूर्ण अपवर्तनांक का अधिकतम मान, यानी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द मटेरियल है। ये जो चार को मटेरियल का लिस्ट है इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया तो धुआं धुआं कर दे, आया तो था ऐसा ही, ऐसा क्वेश्चन आया था। आप क्या प्रीवियस ईयर का नहीं देखे, बिहार का यही था, फिर यूपी का भी इसी टाइप का था, फिर झारखंड में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, क्वेश्चन का तो लेवल इसी तरह का रहता। बिहार का भी तो लेवल सेम ही था इसी तरह का। पदार्थों के निम्नलिखित सूची में पूर्ण अपवर्तनांक का अधिकतम मान, सबसे अधिकतम किसका होता है, सबसे अधिक होता है डायमंड का, डायमंड का सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको पढ़िए, हम लोग को कंडीशन क्या दिया, हम लोग को बोलता है कि समय के साथ, ठीक है, समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाला, ठीक है, समय के साथ क्या बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। बदलने वाला एक क्षेत्र में एक कुंडली को रखने से प्रवृत्त विद्युत के उत्पादन की परिघटना,
कौन सा मेथड के थ्रू होता है? यहाँ द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए क्वाइल प्लेस्ड इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम। ये किसके चलते होता है? ये जनरली होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन के चलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते ये घटना घटता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए। तो ये क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में विद्युत धारा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, रिड्यूस सब्सटेंशियली कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता, अत्यधिक इंक्रीज हैवली हो जाता है। कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है। बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा रहा है? हाँ भरा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को बोलता है कि एक 4 ओम प्रतिरोध में, ठीक है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है 100 जूल हीट पर सेकेंड, 100 जूल हीट पर सेकंड उत्पादित होती है, तो प्रतिरोधक में विभवांतर का क्या हाल होगा? मनीष कुमार सर, झारखंड में एग्जाम कब है? झारखंड में एग्जाम है अगस्त सितंबर, सितंबर में एग्जाम है। एक पूछ रहे हैं कहां से हैं आप सर जी? हम झारखंड से हैं, झारखंड से हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोलता है कि एक 4 ओम प्रतिरोध का 100 जूल, तो यहाँ से हम लोग से पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए एनर्जी पर सेकेंड बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर, एनर्जी पर सेकेंड बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। एनर्जी पर सेकेंड कितना है? 100 जूल है, 100 जूल हो जाएगा एनर्जी पर सेकेंड, गुने रेसिस्टेंस कितना है? रेसिस्टेंस है 4 बराबर वी हो जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, वी बराबर 100 चौंगा 400 यानी 20 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग से पूछा था कि मोटर गाड़ी में पीछे से आती हुई ट्रैफिक देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये तो कंफर्म है। ऐसे भी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही जनरली यूज किया जाता है, लेकिन क्यों हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, इसका रीजन कौन सा होगा? देखिए तो क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वह आवर्धिक प्रतिबिंब बनाते हैं। आवर्धिक मतलब कि वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। नेक्स्ट, वह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या वह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा इसका रीजन है? दे फॉर्म इरेक्ट एंड द डिमिनिश्ड इमेज, ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसको मिनिमाइज करके डिमिनिश करके छोटा कर देता है और उसको एकदम सीधा करके इमेज दिखा देता है। ठीक है ना, तो इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बोलता है कि ए स्टिक, यानी एक छड़ी के बारे में बात कर रहा है, A stick put in bucket of water appears bent. वो थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा टाइप का दिखता है, मुड़ा मुड़ा टाइप का दिख रहा है, क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, या ड्यू टू अट्रैक्शन, या ड्यू टू रिफ्रैक्शन, या फिर ड्यू टू रिपल्सन, किसके चलते? तो ये जनरली अपवर्तन के चलते, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा टाइप का दिखता है, यानी ड्यू टू रिफ्रैक्शन के चलते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग को क्या पूछता है, हम लोग को बोलता है कि एक लाल रंग, ठीक है, एक लाल रंग के फूल, यानी लाल रंग का फूल है, ठीक है, उसको हरे रंग के कांच के साथ, ग्रीन कांच के साथ देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो देखिए जब लाल रंग रेड ग्रीन जब आपस में मिलेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा? वाई का निर्माण करेगा, यानी येलो का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, लाल कलर का फूल है, लाल कलर का फूल है, जब हरियर कांच के साथ देखेंगे तो पियर पियर दिखाएगा, यानी पीला पीला दिखाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। किसका करी आ रहा है? डी आ रहा है, काला काला नहीं दिखेगा, यहाँ पे पीला पीला दिखेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या बोलता है, द लेंस सिस्टम फेसिंग टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट इज नॉन इज नॉन एज, देखिए वस्तु के समक्ष जो लेंस सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए वस्तु के समक्ष जो हम लोग लेंस लगा के रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या आई पीस लेंस बोलते हैं, या खाली लेंस बोलते हैं, या ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, या नॉन ऑफ दीज बोलते हैं। तो देखिएगा हम लोग दो तरीका का जानते हैं, लेंस दो तरीका से होता है, यानी एक लेंस इस जैसे कि आप लोग ये देखिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिएगा तो उसमें जनरली दो तरीका का लेंस होता है, एक लेंस को क्या हम लोग बोलते हैं जो आंखिया के पास होता है उसको आई पीस लेंस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट के पास होता है यानी वस्तु के पास होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस ही बोलेंगे। नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, यानी हीटर का फिलामेंट किस चीज का बना हुआ रहता, नाइक्रोम का मिक्स्ड मेटल रहता है, या आयरन रहता है, या एल्यूमिनियम रहता है, या कॉपर रहता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, लास्ट क्वेश्चन आप गलत बता दिया, अरे लास्ट क्वेश्चन अभी तो लास्ट हुआ ही नहीं है, तो कैसे गलत हो गया। देखिए हीटर का फिलामेंट बना रहता है, जो जो भी गलती लग रहा है उसको नोट डाउन करके रखिएगा, लास्ट में हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है ना। तो हीटर का फिलामेंट बना होता है किस चीज का, हीटर का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम के तार के बना होता है, और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, जिसको W से संकेत होता है, वोल्फ्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोलता है, तीन प्रतिरोध 2, 3, 6 ओम जब इसको पैरालेल में जोड़े जाता है तो इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, ठीक है ना। तीन प्रतिरोध है 2, 3, 6 ओम का समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब पैरालेल में उसको जोड़ेंगे तो पैरालेल में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, सबसे कम 2 है, 2 से भी कम हो जाएगा, यानी 1 ओम का रेसिस्टेंस निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 37 के बाद 38, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आकाश का रंग नीला होने का कारण, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, रिफ्लेक्शन के चलते, स्कैटरिंग के चलते, डिस्पर्शन के चलते, या फिर रिफ्रैक्शन के चलते। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, तो देखिए ये कैसे होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग के चलते, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्कैटरिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 19, देखिए 19 हम लोगों को क्या बोलता है, देखिए बोलता है किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग का प्रकाश का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। देखिए प्रकाश का विचलन कोण के बारे में बात कर रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, ऐसे यहाँ पे प्रिज्म है, यहाँ से लाइट इधर जाता है, फिर इधर आएगा, यहाँ से फिर इधर आता है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे क्या होता है, वी होता है, फिर आई बी जी वाई ओ आर। तो देखिए तो इसमें से सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका बन रहा है, वायोलेट का बनेगा ना, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला एंगल वही कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से हम इसका आप लोगों का बताए हैं थ्योरी वाला में, थ्योरी के पार्ट में इसको हम समझाएं आप लोगों को, तो इसका क्या हो जाएगा, वायोलेट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ द व्हीकल्स, देखिए व्हीकल्स में, गाड़ी में, बाइक में, छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर में एक लगा हुआ रहता है डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या काम करता है,
तो देखिए एक स्पीड है, स्पीड को जनरली कौन मेजरमेंट करता है, स्पीडोमीटर, ठीक है ना। गाड़ी में जो आप लोगों का बाइक में देखते होंगे कि स्पीड ऐसे कांटा दिखाते रहता है, कभी इतना तो कभी इतना, वो कैसे होता है, वो होता है स्पीडोमीटर दिखाता है, वो जनरली स्पीडोमीटर है। और गाड़ी में देखते होंगे वो डिस्टेंस भी दिखाता है, कितना किलोमीटर आप तय किए हैं, उतना किलोमीटर चलें, कितना किलोमीटर अभी और जाना है, ये सब सारा चीज़ दिखाता है। वो जनरली कौन दिखाएगा, सॉरी वो कौन कौन वो बताता है, वो बताता ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर क्या मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। ओडोमीटर किस चीज़ को मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसको देखिए, हम लोगों को क्या बोलता है, एक ट्रांसफार्मर में 250 वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा को 10 वोल्ट करने के लिए हटा दिया गया। इन ए ट्रांसफार्मर 250 अल्टरनेटिंग करंट इज ड्रॉप टू 10 वोल्ट। यानी एक वो ट्रांसफार्मर है जो 250 एसी वोल्टेज को कम करके 10 एसी वोल्टेज कर दिया गया, ठीक है। देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर द रेशियो ऑफ, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्न होगा उसका रेशियो पूछता है। तो ध्यान रखिए यहाँ से, जहाँ पे भी इस तरह का ट्रांसफार्मर का एसी वोल्टेज के बारे में पूछे, तो देखिए टर्निंग या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी यानी एनपी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बराबर क्या होता है, जो भी ट्रांसफार्मर का जो हाई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अपॉन लो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस जितना कर देता है उसके उसके प्रोपोर्शन के बराबर होता है। यानी हाई पोटेंशियल कितना था अल्टरनेटिंग करंट का, 250 था, और फिर लो कितना है, लो है 10 वोल्टेज है, तो लो है 10 वोल्टेज यानी 10 हो जाएगा। जब कटेगा तो फाइनली क्या निकलेगा, 25:1 निकलेगा, 25:1 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट, सबसे कुशल मशीन कौन सा होता है। देखिए तो इसमें से आप लोग को एक इस क्वेश्चन को ना हम आप लोग को होमवर्क के फॉर्मेट में डाल देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग सोच समझ के बताइएगा तो मेरे को, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग को बताना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के रूप में, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के उपयोग बहुत आवश्यक है, क्यों। बात सही है कि ऊर्जा का अल्टरनेटिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी मेरे को चाहिए, क्योंकि कितना कोयला पेट्रोलियम पे विश्वास करते रहिएगा, तो ऊर्जा का जो अल्टरनेटिंग स्रोत है वो कौन सा हो सकता है, ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत। अच्छा क्यों हम लोगों को अल्टरनेटिंग चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिमिटेड, जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो क्या लिमिटेड है, यूज गो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉट गुड, ऊर्जा का उपयोग अच्छा नहीं है, या डिमांड ऑफ एनर्जी इज लेस, या फिर पॉपुलेशन ऑफ लिमिटेड। तो मेन रीजन इसमें क्या दिखा रहा है, मेन रीजन यही दिखाई दे रहा है ना कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, लिमिटेड है, यानी जो रिन्यू हो सकता था यानी तुरंत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या सीमित है। इसी के चलते हम लोगों को एनर्जी के लिए कोई थोड़ा वैकल्पिक कुछ एनर्जी का सोर्सेस का जरूरी, जैसे वैकल्पिक के रूप में अभी क्या जनरली आ रहा है, वैकल्पिक के रूप में हाइड्रोजन एनर्जी जनरली ज़्यादातर अभी हो रहा है। अभी अभी आप लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुने होंगे, शायद सुने होंगे, तो उसमें बोला गया था कि भारत को हाइड्रोजन ग्रीन पावर प्लांट में एकदम इसको हब बनाना है भारत, यानी भारत में आने वाला समय में सारा चीज हाइड्रोजन फ्यूल पे सब चीज़ डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना, सारा चीज हाइड्रोजन फ्यूल पे डिपेंड होने वाला है आने वाला समय में। ठीक, नेक्स्ट, फिर हम लोग को क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर -40°C इनटू फॉरेनहाइट। हाँ भाषण सुने होंगे आप लोग तो फिर पता चलेगा। चलिए तो यहाँ से -40°C को फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे तो -40° फॉरेनहाइट ही आएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग को बोलता है कि लंबे समय तक तरंग दर्द माइक्रोवेव मोबाइल फोन,
देखिएगा ध्यान से, जो लंबे समय तक जो वेवलेंथ होता है वो माइक्रोवेव होता है, ठीक है। माइक्रोवेव जिसको हम लोग मोबाइल फोन में जनरली यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव को हम लोग मोबाइल फोन में यूज करते हैं। तो उसी तरह वेल्डर के लिए, वेल्डर एक काला चश्मा पहनता है, क्यों? जैसे कि माइक्रोवेव जनरली कहाँ से निकलता है, मोबाइल से, तो वेल्डर चश्मा क्यों पहनता है या फिर वेल्डिंग जब करता है तो कौन सा रेडिएशन वहां से निकलता है जिस रेडिएशन से वो बचे? और थोड़ा सा और बचा हुआ, ज्यादा नहीं, तो कौन सा रेडिएशन निकलता है? एक्सरे, बीटा रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज या गामा रेज? रेज जेनरेट इन वेल्डर, क्या होगा? दो परसेंट हो गया, वेल्डर्स वियर ए ब्लैक गूगल्स, वाई? चलिए सन, सुन, सन से इंफ्रारेड आ जाए, हाँ सन से इंफ्रारेड रेज आता है, तो इंफ्रारेड रेज के लिए नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे जनरली क्या कर रहा है वो वेल्डिंग के लिए कर रहा है, वेल्डिंग पर्पज से। तो रेड वेल्डिंग पर्पज से जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो वहां से निकलता है। चलिए ये जनरली किस चीज से ये बचने के लिए करता है? यूवी रेज से। वहां से जनरली यूवी रेज भी बहुत खतरनाक निकलता है, यूवी रेज बहुत इफेक्ट पहुंचाता है, इसी के चलते वो यूवी रेज से बचने के लिए काला चश्मा पहन लेता है, ठीक है ना। यूवी रेज जैसे माइक्रोवेव मोबाइल से निकलता है जनरली, तो वेल्डिंग से यूवी रेज निकलता है जिससे बचने के लिए वो काला चश्मा पहन लेता है, ठीक ना। नेक्स्ट है 46 हम लोगों का। 46 हम लोगों को क्या बोलता है? व्यक्ति की हृदय ताल एक मिनट में 75 बार धड़कता है, ठीक है, एक मिनट में 75 बार धड़कता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? एक मिनट में तो 72 बार ही धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन दिया 75 बार दिया हुआ है, तो अच्छा ठीक है कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है, मेनली हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना है। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी हम लोग से पूछ रहा है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिजर्व रियली में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में जो जितना बार वाइब्रेट करता है ना वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो देखिए एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा 75 टाइम, यानी एक मिनट में, तो एक सेकेंड यानी 60 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, 15 5 75, 4 एकम 4 और 2, 4 एकम 4, 1 4 2 9, 4 5 20, 1.25 हर्ट्ज, 1.25 हर्ट्ज यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 1.25 हर्ट्ज, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जो 2 सेकेंड लेती है? अच्छा 2 सेकेंड के लिए सरल लोलक की लंबाई हम लोग से पूछा जा रहा है। टाइम पीरियड बराबर 2π√L/g होता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोगों से सरल लोलक का लंबाई पूछ रहा है, लंबाई बोले तो ये वाला L पूछ रहा है। और हम लोग से टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा टाइम पीरियड अगर हम लोग यहाँ पे 2 सेकंड रखे तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 1/π आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, जी का वैल्यू एने आ जाएगा 9.81, यानी तो हाँ जी का वैल्यू 9.81 बराबर हो जाएगा एल। कितना आता है यहाँ से
फाइनल सॉल्यूशन करके देखिए। यहाँ से फाइनली सॉल्यूशन करिएगा ना तो एल बराबर आएगा 0.999 ऐसे करके आएगा, तो फाइनली एल बराबर हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली एल बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 मीटर, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। डी जिनका जिनका आ रहा है करेक्ट हो जाएगा। लेंथ बराबर 0.9999 ऐसे करके आएगा, तो एल बराबर 1 मीटर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट 48, हम लोग को क्या बोलता है ना, एक बड़े में द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ, क्या ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, बड़े में कमी परत की विद्युत प्रतिरोध, इसको हटा दीजिए, ये क्वेश्चन है कुछ अर्थांग लिखा हुआ। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को पूछता है कि लेजर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइट। हाँ बात तो सही है, लेजर एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट है। लेजर एक क्या स्पेशल टाइप ऑफ लाइट है, बिकाउज क्यों, लेजर एक विशिष्ट प्रकार का लाइट है, आखिर क्यों ये एक विशेष प्रकार का लाइट है, देखते हैं। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड फोटोन्स विल बी द सेम फ्रिक्वेंसी, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण और फोटोन एक ही आवृत्ति की हो जाएगी, या नेक्स्ट एक विद्युत चुंबकीय विकिरण और फोटोन दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी का हो जाएगा, और कुछ दिया हुआ है रीजन, यह विद्युत विकिरण और फोटोन अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हो जाएगा, यह विद्युत विकिरण और फोटोन एक ही आवृत्ति का होता है, क्यों आखिर ये हम लोगों का अलग है लेजर। एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, आप लोगों का क्या आ रहा है, सबका ए ए ए आ रहा है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बात तो सही है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड फोटॉन्स विल बी द सेम फ्रीक्वेंसी, और इसका जो फोटोन होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आगे फ्लो करता है, ऑप्शन ए ही इसका हो जाएगा, करेक्ट। समझ में नहीं यार, हाँ लेजर का कॉन्सेप्ट है ना, लेजर का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लेजर आप लोग नहीं पढ़े। सोनार के बारे में बात कर रहा, सोनार डिपेंड्स ऑन, सोनार मींस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार मींस होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो जनरली सोनार किस चीज पे डिपेंड करता है, सोनार से जनरली हम लोग डेप्थ ऑफ सी को मेजरमेंट करते हैं, सी का कितना डेप्थ है ये सब मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग सोनार का यूज करते हैं। किस चीज पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पे डिपेंड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये जनरली क्या चीज पे डिपेंड करता है, साउंड, सोनार डिपेंड करता है किस चीज पे, सोनार किस पे डिपेंड करता है, सोनार जनरली डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पे डिपेंड करता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है समुद्र के गहराई नापते हैं सोनार से, यहाँ समुद्र की गहराई नापने में जनरली इसका हम लोग यूज करते हैं। तो फाइनली हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चंस हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। अब आप लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे जल्दी से बताइए। तो सर मैं लेजर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया था सेमेस्टर वाला, मैं सोच, हाँ लेजर वाला वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, लेजर के बारे में वहाँ पे बताया हुआ है, लेजर के बारे में, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब अगर आप लोग का भी बहुत सारा टॉपिक है जो सेमेस्टर वालों को पढ़ा दिए हैं, तो सेमेस्टर वाला में भी घुस घुस के आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक नंबर गलत था, चलिए एक नंबर पे आते हैं ऊपर। देखिए सबसे पहला हम लोग को बोलता है ना कि एक नंबर में बोलता है मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा, देखिए मूवी के बारे में बात कर रहा है, मूवी प्रोजेक्टर में देखिए यहाँ पे हम लोग को ना दर्पण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दर्पण में अगर हम लोग मान लेते हैं, आप लोग बोल रहे हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण हम यहाँ पे बनाते हैं, लेंस नहीं पूछा है यहाँ पे, लेंस पूछता ना तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता, यहाँ पे मिरर के बारे में बात किया है,
स्टूडेंट्स के आई प्रॉब्लम का क्वेश्चन, अरे स्टूडेंट्स के आई प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स का, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त दर्पण के बारे में बात कर रहा है, नॉट ए लेंस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। डाइवर्जिंग मिरर, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोगों को बोलता है मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त दर्पण हम लोगों का क्या होता है, ठीक है ना। मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त दर्पण अगर मान लेते हैं, एक सेकंड रुक जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, बता दे रहे हैं इसको कंफर्म कर दे रहे हैं, यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो ये तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है कि अगर इधर इधर हम लोग रखेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे उल्टा इमेज बनने को तैयार रहेगा। अगर हम लोग फोकस तो यहाँ से तो कुछ होगा नहीं। थर्टी फाइव नंबर वाला रेड ग्रीन वाला वो सही है, रेड ग्रीन वाला सही है। वो रेड ग्रीन सही है, वो सही है। वहां से क्या होता है, जब दो कलर आपस में मिलता है ना तो येल्लो का निर्माण करता है, जब दो कलर आपस में मिलता है ना तो फिर येल्लो येल्लो जैसा दिखेगा वो। फिर से देखिए आप, हम फिर से उसको देख लिए। उसका येल्लो होगा, एक सेकेंड कहा है, देखिए दो क्वेश्चन आप लोगों का दो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त दर्पण। देखिए आप लोग इसका कोई भी बुक से आप देख सकते हैं, बुक वाला में से। देखिए यहाँ पे हम लोगों का दर्पण से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का लेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अगर लेंस रहता ना तो लेंस से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते थे कि हाँ कॉन्वेक्स लेंस, ये जनरली ये कॉन्वेक्स लेंस यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होने वाला जो दर्पण है ना, वो दर्पण हम लोग का कॉनकेव मिरर ही होगा, ठीक है ना। उसका आंसर ब्लैक होगा, नहीं। नहीं होगा, केस कर दूंगा इस पे। देखिए इसका कंफर्म रखिए, इसको बी रखिए। और फिर नेक्स्ट हम लोग का और कौन सा था क्वेश्चन, और एक आप बोल रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि पीला वाला, देखिए जब आप लोग ध्यान रखिएगा ग्रीन के साथ था ना वहां पे सेकेंडरी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर होता है। सेकेंडरी कलर का कॉन्सेप्ट वाला आप लोगों को पढ़ाए थे, सेकेंडरी कलर का कॉन्सेप्ट देखिए, सेकेंडरी कलर का कॉन्सेप्ट में सब ठीक समझ में आ जाएगा। कहाँ था चुंबकीय था, एक गोलाकार लेंस, ठीक है। बट कहाँ था क्वेश्चन, कितना नंबर में था। अच्छा एक ये क्वेश्चन था ना, देखिए एक ये क्वेश्चन है, एक इस पे डाउट है। यहाँ पे हम लोग को बोलता है जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करता है उसमें प्रायः क्या पाया जाता है, ये हम लोग को एक क्वेश्चन था। थर्टी फाइव नंबर में भी क्वेश्चन है, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करता है उसमें क्या पाया जाता है।
जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करता है उसमें किस तरह का दोष पाया जाता है? कॉनकेव मिरर होगा सर, हम गूगल बाबा से पूछा। कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर तो ठीक है, कॉनकेव मिरर। सर ये बीमारी हमको भी हुआ, मायोपिया। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग फर्स्ट को, फर्स्ट में आप लोगों का कॉनकेव होगा, ठीक है कॉनकेव, उसमें अवतल दर्पण वहां पे हम लोग यूज करते हैं, वो तो बताएं आप लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को बोलता है जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में कार्य अधिक करता है। देखिए जिस समय आप पढ़ाई लिखाई ज्यादा करिएगा ना, उस समय की बात बता रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके सामने तो बुक रहेगा ना, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। देखिए उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, उस समय तो सामने आपका बुक रहेगा ना, तो सामने वाला दिखता नहीं है, लेकिन दूर वाला क्या हो जाएगा, दूर वाला आसानी से दिख जाता है। तो सामने वाला दिख रहा नहीं है, दूर वाला आसानी से दिख रहा है, तो उसको कौन सा दोष बोलते हैं? दूर दृष्टि ना, दूर वाला स्पष्ट दिखाएगा और नजदीक वाला सामने दिखिए नहीं रहा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट वाला अस्पष्ट दिखाई देता, लेकिन आप तो किताब ज्यादा दूर तक करके नहीं ना पढ़ते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर से तो ज्यादा दूर के नहीं ना पढ़ते हैं। या बुक वन का आंसर कॉनकेव बताया, तो वन का आंसर कॉनकेव होगा, कॉनकेव मतलब कि अवतल। व्हाट्सएप देखिए सर, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप में किसी का स्टेटमेंट लिखा, आप ओरिजिनल वो स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं हो सकता है। अब बुक ये सब में एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, दो क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था कि कलर वाला पर केस हो रहा था, एक बार देख लेते हैं कलर वाला कहाँ था क्वेश्चन। कलर वाला, हाँ वीर निहाल देखते हैं, आपका भी देख लेते हैं, और अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो आप लोग बता सकते हैं, किसी का ऑब्जेक्शन और है तो। मोटर पर ठीक है, कहाँ था क्वेश्चन, गोबर गैस रॉक, हाँ ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोलता है क्या है? हम लोगों को देखिए बोलता है इस क्वेश्चन में, आप लोगों का डाउट है इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोगों को बोलता है एक लाल रंग का फूल को हरे रंग के कांच से देखने पर यह किस तरह का दिखाई देगा। देखिए लाल रंग है, लाल रंग का हम लोगों का क्या है, फूल है, और हरियर रंग के कांच से देख रहे हैं। सोचिए तो हरियर रंग पहले आपके सामने, तो हरियर कांच आएगा, यानी हरा एगो रंग आ गया, ग्रीन आ गया, और इसके बाद आगे एगो लाल है, तो एक तरह से क्या मिल जा रहा है, ग्रीन हरियर और लाल मिल रहा है ना। तो हरियर और लाल मिलता है तो किस चीज का निर्माण होता है, हाँ ये ब्लैक दिखेगा सर, एक लाल रंग के फूल को हरे रंग के कांच से देखने पर यह किस तरह दिखाई देगा। ब्लैक होगा, ब्लैक होगा, अच्छा ठीक है, काला होगा, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग को बोलता है कि एक एक लाल रंग है, ठीक है रेड है, एक लाल रंग के फूल को हरे रंग के कांच से देखने पर, तो देखिए लाल रंग है, हरा रंग से यहाँ से हम लोग, पहले हरा रंग हम लोग का कांच है, कांच है, यहाँ से जब हम लोग इसको देखेंगे तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर हम लोग को मिलेगा, फिर हम लोग को दिखेगा लाल, लाल यहाँ से हम लोग को दिखेगा, वो लाल है और हरा कांच है। तो हम लोग को यहाँ पे मिक्स नहीं करने के लिए बोल रहा है ना, दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं ना, लाल प्लस हरा, तब हम लोगों को लाल प्लस, ये ठीक है, ठीक है ना, कि लाल प्लस अगर हरा दोनों मिक्स होता तो यहाँ से हम लोगों को येल्लो ठीक दिखेगा, येल्लो तो ठीक दिखेगा यहाँ से,
लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोलता है एक लाल रंग के फूल को हरे रंग के कांच से देखने पर यह दिखाई देगा, लाल पीला हरा काला। यहाँ पे आंसर काला ही होगा इसका ना, आंसर यहाँ पे इसका आंसर काला होगा। और यहाँ पे अगर हम लोगों का लाल और हरा दोनों मिक्स होता उस सिचुएशन में हम लोगों को यहाँ पे येल्लो दिखाई देता, लेकिन यहाँ से लाइट इधर आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण काला 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 नजर जीता काला काला नजर आएगा ना, तो इसका ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, बस आई होप आप लोग का डाउट जो जो भी था डाउट कवर हो चुका होगा। और फिर जो भी आप लोग का इसमें ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन जिसका जिसका होगा नीचे कॉमेंट में एक बार सब लोग अपना अपना ऑब्जेक्शन लिख दीजिएगा, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम आप लोग को कुछ कुछ सोल्यूशन कर देने का। ठीक है आप लोग का, तो आई होप अब किसी और का है, आपका चेला हूँ सर, किसी और का मैं केस जीत गया। और किसी का कुछ है, चलिए आप लोग का आई होप डाउट कवर हो गया। देखिए हम आज जो 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोगों को, 50 क्वेश्चन का सेट करवा दिए हैं। ठीक है 50 क्वेश्चन का सेट करवा दिया, जिसमें से देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों को प्रीवियस ईयर पे पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आई होप कोशिश कीजिएगा कि इस सेट से आप लोगों को कुछ कुछ दिमाग लगा कर देखिएगा, कि ऐसा नहीं है कि यही सब, इसी टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन और बन जाएगा तो फिर उससे भी आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं तो फिर जो भी हम मेरा टारगेट है कि आप लोग का 5 सेट लगातार कंटिन्यू करवा देते हैं, 5 सेट करवा देंगे आप लोगों का फिजिक्स का, फिर 5 सेट मैथ का भी करवा देंगे, अलग 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 तरीका का क्वेश्चंस रहेगा। कुछ भी ऑब्जेक्शन अगर आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और सब लोग प्लेलिस्ट से देखते रहिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों का थ्योरी सारा चीज वहां पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।